आज की इस वीडियो में मैं देने वाला आपको 10 ऐसे कमाल के यूजफुल अपडेट जो OB44 में आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट कैरेक्टर से और खत्म करेंगे कमाल के सॉल्यूशन पे। और हाँ, लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज होने वाला है, तो आज की वीडियो पूरी देखना शुरू से लेके एंड तक। और आपको पता है, बस मैं लाइक के लिए शुरुआत में बोलता हूं, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जम करते हैं फर्स्ट टॉपिक। अगर आप या फिर आपका कोई दोस्त ओरायन का इस्तेमाल करता है तो ये वीडियो खुद भी देखो और उसको भी भेजो, क्योंकि ओरायन की बैंड बजने वाली है आने वाले पैच अपडेट OB44 में। अब देखो, OB43 में गरीना फ्रीपा ने ओरायन को बहुत भारी भरकम नर्फ दिया था, जहां इसकी एबिलिटीज को बहुत ज्यादा सप्रेस किया गया था। बट इस बार तो गरीना फ्रीपा कह रही है एक बार दोबारा समझ लेते हैं ओरायन वालों का, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करेंगे तो पिछली बार जो यहां पर 300 में से 200 पे एक्टिव होता था, अब उसको 150 पे कर दिया, मतलब 300 क्रिमसन एनर्जी पे अब 150 में इसको एक्टिव कर सकते हो और आप इसको दो बार इस्तेमाल कर सकते हो। जहां पर पहले एक ही बार इस्तेमाल कर पा रहे थे, फिर उसका 100 भरो, फिर 200 पे लेकर इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहां पे ये काफी अच्छी चीज है। बट ओरायन वालों, अब जो आप लोगों को इनविंसिबिलिटी मिलती थी आपके ओरायन कैरेक्टर के अंदर की, मतलब एक बार ओरायन बन के ना फॉल डैमेज पड़ रहा है ना ही यहां पे डैमेज पड़ रहा है किसी गोली का, तो भाई यहां पे ऐसा नहीं होने वाला। अब आपको 300 शील्ड पॉइंट मिलेंगे और 300 के बाद यहां पे आपका ओरायन टूट जाएगा। वो वैसे भी 3 सेकंड में ओवर हो जाता था और यहां पे 3 सेकंड के अंदर अंदर किसी ने 2 स्नाइपर की स्विच करके बुलेट मार दी या फिर आप पे डैमेज पड़ गया, तो वैसे भी आपका ओरायन टूटने वाला है। अब यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, एक बहुत अच्छी चीज करी गई जहां पे आपकी जो मूवमेंट स्पीड 20% से रिड्यूस हो रही थी, उसको हटा दिया, तो मूवमेंट स्पीड अब आपकी रिड्यूस नहीं होगी। बट ओरायन वालों, अब तुम्हारा ओरायन ही इनविंसिबल नहीं रहा, उसमें गोलियां पड़ जा रही हैं, पर हां, वो गोलियों को आपको डैमेज नहीं पड़ेगा, वो खाली आपका ओरायन टूट जाएगा, पर यहां पे उसके बाद तो पिटाई हो जाएगी ना। तो अब थोड़ा सोच समझ के रहना, क्योंकि देखो आप एब्जॉर्ब करोगे, सारी चीजें करोगे, बट इनविंसिबिलिटी वाली चीज आपकी नहीं रही। तो अब आप लोग बताओ, ये जो नया करेक्टर आ रहा है जो बहुत भारी भरकम डैमेज दे रहा है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी है, जरूर से चेकआउट करना हमारी लास्ट वीडियो, क्योंकि पूरे करेक्टर चेंजेस मैंने उसके कवर करे, बस ओरायन रह गया था। तो आप लोग बताओ, उसके सामने ओरायन की कैसी बैंड बजने वाली है? और बहुत सारे लोग कह रहे थे उसको हम लोग ओरायन के साथ इस्तेमाल करेंगे। देखो मैं सच बताऊं, वो चीज ओरायन के साथ जा सकती है, बट ओरायन की इस साइड बैंड भी बज रही है, तो मुझे नहीं लगता अब ओरायन उतना ज्यादा मेटा के अंदर पॉपुलैरिटी लेगा। What do you think? Comment down below. OB44 patch update के advanced server में हमें देखने को मिलता है कैसा बड़ा चेंज, जिसके बाद iPhone players का और Android players का कुछ ऐसा reaction आने वाला है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा होगा। हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। जी हाँ guys, यहाँ पे गेम के अंदर जो आपकी sensitivity थी, अब उसको बढ़ा करके 100 से 200 करा जा रहा है, जिसके बाद गेम के अंदर जो sensitivity है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप iPhone में गेम खेलने वाले हो तो अगर ये sensitivity आती है हमारे पैच अपडेट में, तो भाई आप लोग बिल्कुल मत बढ़ाना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आईफोन वालों। और अगर एंड्रॉइड वाले भी हैं, तो भाई इतना बताना चाहूंगा, अगर आपका लो एंड एंड्रॉइड डिवाइस है और इतनी हाई सेंसिटिविटी पे आपको फ्रेम ड्रॉप्स और माइन्यूट लैग्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि भाई आप सेंसिटिविटी तभी बढ़ाओ जब आप लोग उसको संभाल सको, अदरवाइज ना ड्रैग लगेगा ना बॉडी शॉट लगेगा, हवा में गोली मारते रहोगे और घूमते रहोगे शक्तिमान बनके। वैसे तो मैं जानता हूं कि ये फीचर शायद ही आएगा, पर अगर आ जाता है तो आपका क्या रिएक्शन होने वाला है? मैं जानता हूं आप लोग इंतजार कर रहे हो हमारे OB44 के वेपन चेंजेस और न्यू वेपन्स की वीडियो का, और वो आने वाली वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम लोग टोटल वेपन चेंजेस और जो नए रिवर्क्स हुए वेपन के अंदर, नए वेपन आए, उन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो मेक श्योर नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टेस्ट का नाम की एक नई करेक्टर, जिसकी एबिलिटी मुझे उस टाइम पे क्लियर नहीं थी, पर अब मुझे इसकी एबिलिटी पता चल गई है। और सच में ये ओपनली मैं बात आके बोलना चाहूंगा, अगर ये करेक्टर सेम एज इट इज इसी एबिलिटी के साथ गेम में OB44 में आ जाता है, तो वन ऑफ द ब्रोकन ओवर पावर और अब्यूज कैरेक्टर होने वाला है, क्योंकि ये पूरे गेम के मेटा को शिफ्ट कर देगा, पूरे गेम की डायरेक्शन को शिफ्ट कर देगा, हर कोई इसका इस्तेमाल करेगा, इतना ब्रोकन होने वाला है। चलिए बात करते हैं इसकी एबिलिटी के बारे में। देखो सबसे पहली बात तो इसकी एक्टिव स्किल होने वाली, इसका नेम है इलेक्ट्रोथेरेपी। इसके अंदर ये क्या करेगी, एक हीलिंग बॉन्ड कनेक्ट करेगी अपने टीममेट के साथ। जैसे आप उसको कनेक्ट कर लोगे, आपको 15 मीटर के रेडियस के अंदर बने रहना है, 15 मीटर के डिस्टेंस के अंदर बने रहना है। जैसे उससे बाहर जाओगे, ये जो हीलिंग बॉन्ड है, जो रस्सी है, अपने आप टूट जाएगी। और यही अगर हम बात करेंगे, अगर आप 15 मीटर के अंदर बने रहते हो तो विदाउट एनी स्टेक का मतलब कोई भी रोक टोक नहीं है, आपको और आपकी टीममेट दोनों को ही 3 HP पर सेकंड के हिसाब से HP रिसीव होगा। 3 HP पर सेकंड बहुत ज्यादा होता है, कोई भी यहां पे रोक टोक नहीं है, जितनी देर तक बने रहोगे HP मिलता ही रहेगा। और सच बता रहा हूं भाई, ब्रोकन एबिलिटी है। दूसरी साइड अगर हम बात करेंगे तो आपके टीममेट को 80 HP एडिशनल मिलेगा अगर उसका यहां पे 100 से नीचे HP चले जाता है।
भाई ये सच बता रहा हूँ, बहुत डेंजरस है। अगर सामने वाले मेरे टीममेट का 90 HP हो जाता है तो अगर उसने मुझसे ये कनेक्ट कर रखा है इलेक्ट्रोथेरेपी या फिर ये जो हीलिंग बॉन्ड है तो उसको अपने आप 80 मिल जाएगा, 170 HP हो जाएगा। एक मेडिकेट मारेगा फुल HP, भाई साहब खतरनाक चीज कर दी है। दूसरी साइड अगर हम बात करेंगे, अगर फॉर एन एग्जाम्पल आप उसको फोर्सफुली वो HP देना चाहते हो तो यही 80 का आधा हो जाएगा 50%, जो कि होगा 40 HP। मतलब अगर फॉर एन एग्जाम्पल मेरे सामने वाले टीममेट का 150 यहाँ पे HP और मैं उसको फिर भी हील करना चाहता हूँ इस हीलिंग बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे मैं उसको 40 ही दे पाऊंगा, तो 190 हो जाएगी उसके HP। और इसका कूल डाउन टाइम है 60 सेकंड, और सच में ये वन ऑफ द ब्रोकन एबिलिटी है। व्हाट डू यू थिंक गाइस, मुझे कमेंट करके बताओ। और अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ये जो कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर हमारा एजाबेल होने वाला है। अब एजाबेल क्यों बोला मैंने और कौन है एजाबेल, आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर नहीं पता तो मुझे ये भी बताना, क्योंकि मैं इसके लिए एक शॉट डालने वाला हूं, क्योंकि इसका रिलेशन बहुत सारे कैरेक्टर्स से होने वाला है, बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन से होने वाला है। अब जल्दी से कमेंट करो। आने वाले पैच अपडेट OB44 में आपको नजर आने वाला एक नया रोल सिस्टम, जिसके अंदर आपको मल्टीपल रोल्स नजर आएंगे, जैसे हमारा रशर, स्नाइपर, ग्रेनेडियर, राइफलमैन और मेडिक। और इन रोल्स के अंदर आपकी कैटेगरी डिवाइड होगी। यहीं अगर हम बात करेंगे, रोल्स के अंदर भी आपको लेवल अप करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर रोल मिल गया बस वो परमानेंट हो गया, आपकी कैटेगरी चेंज होती जाएगी आपके गेम प्ले स्टाइल के ऊपर। तो अब ये बहुत आसान है, बहुत सारे लोग अपनी बढ़ाई करते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं कि मैं तो रशर हूं, मैं तो बढ़िया ग्रेनेडियर हूं। आप उसकी प्रोफाइल पे जाकर के भाई चेक कर सकते हो कि उसका गेम प्ले स्टाइल क्या है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप क्लैश स्क्वाड या फिर हमारे बीआर के मैचेस लगाओगे तो उससे पहले जो लोडिंग विंडो होती है उसके अंदर भी रोल्स और लेवल अप साफ नजर आएंगे। लोग आपकी प्रोफाइल पे विजिट करके चेक कर सकते हैं कि आप किस रोल पे खेलना पसंद करते हो। तो ये बहुत आसान है कि आप लोगों को अगर टीम बनानी है, ई स्पोर्ट्स टीम बनानी है, तो वहां पे रोल्स आप लोग आसानी से देख सकते हो कि भैया इसका गेम प्ले स्टाइल कैसा है, मुझे रशर चाहिए, ये रशर है या फिर ग्रेनेडियर है या फिर एक मेडिक रहेगा या फिर एक सपोर्टर रहेगा। आप लोग बताओ ये रोल सिस्टम आपको कैसा लगा। मैं बताऊं तो भाई टीम्स को बनाना अब बहुत आसान कर दिया ग्रीना फ्री फायर ने, एंड ये रोल सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया। ये बात अभी मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आने वाले पैच अपडेट OB44 के बाद आपका वो दोस्त जिसको आप लोग निब्बा या फिर निब्बी बोलते हो, जो प्यार में डूबा हुआ, अपना 90% से ज्यादा टाइम हमारे सोशल आइलैंड पर देने वाला है। क्योंकि सोशल आइलैंड पर एक ऐसा चेंज ग्रीना फ्री फायर लेके आ रही है जिसके बाद मैं बता रहा हूं जितने भी निब्बे निब्बे और प्यार में डूबे हुए लोग हैं ना, सब वहीं जाने वाले हैं। क्योंकि ग्रीना फ्री फायर यहां लेके आने वाली हमारी प्रॉक्सिमिटी वॉइस या फिर प्रॉक्सिमिटी चैट। अब होती क्या, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फॉर एन एग्जांपल आप और मैं दोनों के दोनों एक दूसरे से 5 मीटर के डिस्टेंस पे फिर बहुत क्लोज है, तो आपको मेरी आवाज और मेरे को आपकी आवाज हमारे सोशल आइलैंड पे तेज तेज आएगी। जैसे जैसे मैं आपसे दूर जाने लगूंगा, आप मुझसे दूर जाने लगोगे, आपको और मेरी आवाज कम जाने लगेगी। और अब जो लाइट हाउस वाला वो बेंच है ना, वहां पे आपको बहुत नजर आने वाले हैं प्रेमी जोड़े, क्योंकि अब वो लोग एकांत में जाकर के आपस में बात करेंगे और हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अब आप लोग बताओ आप खुद जाओगे नहीं जाओगे, क्योंकि भाई मुझे ये फीचर बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत बार लोग इरिटेट कर देते हैं, बहुत बार लोग परेशान कर देते हैं। और असल में अगर वॉइस अगर ग्रीना फ्री फायर दे रही है गेम के अंदर, तो ये प्रॉक्सिमिटी चैट के साथ लीव मी अलोन कर दो लोगों को, जो लोग आपको परेशान करते हैं, और आप उनको म्यूट भी कर सकते हो। काफी सारा फीचर ग्रीना फ्री फायर में ऐड कर रही है। व्हाट डू यू थिंक गाइस, आपको फीचर कैसा लगा, कमेंट डाउन बिलो। एक बात आप मुझे सच बताना, कभी कभी आप भी इरिटेट हो जाते हो उन दोस्तों से जो बार बार आपके ग्रुप में रिक्वेस्ट डालते हैं और आप जब उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वो बाद में मुंह फुला लेते हैं, फिर बुरा मान जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रीना फ्री फायर आने वाले OB44 पैच अपडेट में लेके आने वाला है 3 ऐसे फीचर जो मुझे डिस्कॉर्ड से इंस्पायर्ड लगे। सबसे पहला फीचर होने वाला है आपका डू नॉट डिस्टर्ब, जैसा नहीं मैं वैसा होने वाला है। आपको कोई रिक्वेस्ट भेजेगा और उसकी रिक्वेस्ट आप तक नहीं पहुंचेगी, ऑटो रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद होने वाला है एक ऑनलाइन, जिसके अंदर क्या होगा, अगर कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो आपके ग्रुप में रिक्वेस्ट आएगी, आप उसको एक्सेप्ट करो रिजेक्ट करो आपके ऊपर है, ठीक है, नॉर्मल होने वाला है। अब एक होने वाला है हमारा रेडी टू टीम, मतलब जैसे आप इस ग्रीन वाले पर डालोगे आपके रिक्वेस्ट मतलब आपके ग्रुप में और ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अब ये फीचर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि कभी कभी भाई कंटेंट बनाना होता है, कभी कभी वीडियोस मुझे भी बनानी होती है, और उस टाइम पे बहुत लोग इरिटेट करते हैं। What do you think guys? ये फीचर आपको कैसा लगा? जब मैं एडवांस सर्वर की लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस करा कि ग्रीना फ्री फायर ने जो मेंबरशिप है उसके आइकन को चेंज कर दिया है, और उस पर क्लिक करने पर अभी वो तो ओपन नहीं हो रहा है। पर बहुत सारे लोगों ने स्पेकुलेट करके मुझे बोला कि हो सकता है कि मेंबरशिप के अंदर ग्रीना फ्री फायर कुछ बड़े चेंजेस लेके आए। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट एक इंटरफेस या फिर एक UI चेंज हो, पर यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ग्रीना फ्री फायर आने वाले टाइम पे मेंबरशिप के अंदर कुछ नई चीजें ऐड कर भी सकती है। पर मुझे जहां तक लग रहा है कि ग्रीना फ्री फायर ने इस एडवांस सर्वर के अंदर जिस तरीके से मोस्ट ऑफ द चीजों के आइकन्स में जिस तरीके से आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इंटरफेस चेंज करा है, UI चेंज करा है,
ऐसा हो सकता है कि एक जस्ट UI चेंज हो और गरीना फ्री फायर मेंबरशिप को वैसी रखे जैसा पहले था। OB44 के अंदर गरीना फ्री फायर एक बहुत अच्छा व्हीकल चेंज लेके आने वाली जो मुझे काफी पसंद आया। आप जैसे कि आपको पता होगा कि कंट्रोल सेटिंग पे जा करके आपको डुअल हैंड और सिंगल हैंड का ऑप्शन जरूर आता था व्हीकल के अंदर, पर उसके अंदर कोई कस्टमाइजेशन नहीं थी। पर गरीना फ्री फायर कह रही है कि अब आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी, आपको अलग से ही पेज नजर आएगा व्हीकल का जहां पे आपको डुअल हैंड एंड सिंगल हैंड का दोनों का ऑप्शन मिलेगा और अब इनके आइकन्स को भी आप मूव कर सकते हो अपने हिसाब से। ये चेंज मुझे पसंद आया क्योंकि आप अगर मल्टीपल गेम्स खेलते हो, बैटल रॉयल टाइटल्स खेलते हो, तो किसमें ड्राइविंग कैसे होती है, किसमें ड्राइविंग कैसे होती है, यहां पे आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये चेंज मुझे पसंद आया, आपका कहना है कमेंट करके जरूर बताना। अब अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंचे इट मींस आपको वीडियो पसंद आई है। इस वीडियो को लाइक दीजिए, अपना प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर डाल दीजिए। आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। और हां, मैंने वादा किया है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे के सारे वेपन चेंजेस के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, तो उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि एक बहुत डिटेल्ड वीडियो होने वाली है OB44 पैच अपडेट के रिगार्डिंग। तो तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय टाटा। मुलाकात करेंगे शायद स्ट्रीम पे या फिर डायरेक्ट वीडियो में।